गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हालचाल। तो अभी जो है आज हम आ गए हैं आउटडोर कुकिंग करने। तो जस्ट अभी प्लान बना कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा आउटडोर कुकिंग करते हैं आज। तो मेरे साथ आए हुए हैं हन्नू भाई और अज्जू भाई। तो अभी जो है अज्जू भाई लगा रहे हैं इधर चूल्हा वगैरह, तो आग वगैरह जला दी है। अज्जू भाई हाय कर दो। तो आप देख सकते हैं अज्जू भाई ने बिल्कुल आग वगैरह जला के रख दी है। और हम इधर लेके आए हैं, इसके अंदर ये है छुरी और ये पलटा है, टमाटर है और प्लेट है, ये कप है साथ में, और यहाँ पे है कढ़ाई में तेल और इधर अपना मटेरियल है। इसमें जो है ये पनीर वगैरह है, मसाले वगैरह डाले हुए हैं और खाने पीने की चीज़ें भी। और तो ऐसी बातें, तो अभी हनुमान भाई जो है उधर हाथ धो रहे हैं, आपको हल्की सी लाइट दिख रही होनी उधर, तो वहाँ पे हैं हनुमान भाई जी, तो वो हाथ वगैरह धो रहे हैं उधर जाके। तो मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी कटाई वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताते रहूँगा, टाइम टाइम से पूरी खबर देते रहूँगा कि हमने क्या क्या किया। तो चलो मिलते हैं बाद में। अभी हमने इधर पनीर रख दिया है कट के, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्याज वगैरह तड़का हो रहा है तैयार। हनु भाई इधर है, हाय कर दो भाई। तो यहाँ पे हमारा सारा मटेरियल हो गया है अब तैयार, तो बस अभी लगाने वाले हम राड़ा। तो अभी हमारा लग रहा है यहाँ पे तड़का, तो आप देख सकते हैं प्याज वगैरह डाल दिया हमने। तो आधी आइटम जो है हम भूल के आ गए हैं, हल्दी और नमक वगैरह। तो अभी एक बंदा आ रहा है, उससे मंगवाई हमने, तो तब तक इसको लगना देते हैं ऐसे ही। तो अपनी यहाँ पे होगी ये ग्रेवी तैयार, तो आप देख सकते हैं इधर। तो थोड़ा सा और लगना देना है इसको, जैसे ही तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हमने पनीर डाल देना है इसके अंदर। थोड़ा टमाटर ये रह गए हैं इसके गलने के लिए, थोड़ा ठीक ढंग से इनको ही करना है। यहाँ पर हमारा पनीर हो गया है तैयार, तो यहाँ देख सकते हैं हनु भाई इधर बैठ गए हैं, अजू भाई बैठ गए हैं। अजू भाई बोल रहे हैं डालो मेरे को, वही भूख लगी हुई है, तो डालते हैं अब। अजू भाई को डालते हैं और अजू भाई से पूछते हैं टेस्ट कैसा है, बना कैसा है। तो चलो मैं डाल लेता हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ आपको। अभी पूछते हैं अजू भाई से टेस्ट कैसा बना हुआ है। तो कैसा है भाई अजू भाई टेस्ट? तो इधर हनु भाई से पूछते हैं, हनु भाई ने भी चख लिया है, मस्त बना हुआ है। तो आप भी थोड़ा करीब से देख लो, ऐसे ही ये कर लो, मतलब खा लिया भी आपने। तो अभी हम कर खा पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। तो गाइस, तो अभी हम आ गए पार्टी पुर्टी करके, तो अज्जू भाई और हनु भाई वो तो चले गए अपने अपने घर। तो हाथी बार रास्ते में थोड़ा दिक्कत थी, अंधेरा था चलने में, तो मैंने अपने लिए ये टॉर्च पकड़ी हुई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, चलती बार ना मेरे से ब्लॉग बन पाना था। तो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी मैं इधर पहुँच गया हूँ। और अभी जो यार बीच सड़क में था, ये यहाँ से वॉल्वो बस भी आ रही है, तो इधर देख सकते हैं आप, वॉल्वो बस जा रही है। और अपना जो है इधर है स्टोर, तो मैं पहुँचने वाला हूँ स्टोर के पास। हनु भाई भी बस अभी यहाँ से हुए क्रॉस, इधर इस साइड से अभी क्रॉस हुए, तो गाड़ियाँ वगैरह चली हुई है रात को, तो अभी 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 क्रॉस हुए। अज्जू भाई के घर तो ऊपर ही हैं, तो अज्जू भाई अपने ऊपर ही रहे अपने घर पे, तो वहाँ पे देवता आए हुए थे, तो करके हम चले गए थे। तो आज ऐसे ही थोड़ा प्लान बन गया था कि ये आउटडोर कुकिंग करेंगे, तो थोड़ा हनु भाई ने भी साथ दे दिया और अज्जू भाई ने भी साथ दे दिया, उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। तो मेरे पीछे ट्रक आ गया, ये तो मतलब मेरी आंखों में लाइट बचनी है ना, थोड़ा ये पता नहीं लग रहा है मेरे को कि किस साइड जंगना है, किस साइड क्या है, थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है नीचे, तो ऐसा है। और अपना ऑटो लगा हुआ है इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो लगा हुआ है और लाइटें तो जली हुई है, फुल ठीक ठाक ढंग से लाइटें जली हुई है। तो ऐसी ऐसी बात है, हमने बढ़िया पनीर वगैरह बनाया, मैं मीट अंडा कुछ नहीं खाता, तो वो तो खाते थे पर हम बनाया नहीं, तब करके फिर ऐसी बात है। तो अभी पहुंच गया मैं, इधर लगा हुआ लॉक, मैं पूछ लेता हूँ चाबी कहाँ पे है। तो फाइनली तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे, तो आपने देख लिया। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनते ही है,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर करना कैसी बनी हुई है आउटडोर कुकिंग। तो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।